लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है जो हमने प्रारंभ की थी और बाद में किसी ना किसी रूप में उसको देश के लगभग हर राज्य ने अपनाया। अब मेरी 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश में है, जिन बेटियों को गोद में लेके मैंने लाडली लक्ष्मी के प्रमाण पत्र वितरित किए थे। वो अब कोई बारहवीं में पढ़ रही है, कोई कॉलेज में जा रही है और मामा मामा कहके जब संबोधित करती है तो मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन सफल हो रहा। अब लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा, उसके साथ और कुछ चीजें हम जोड़ रहे हैं, लाडली लक्ष्मी 2, उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा और ये उत्सव ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। कन्या विवाह योजना की भी फिर से समीक्षा की, योजना फिर प्रारंभ की जा रही है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी, 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे, नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, उसको एकीकृत कर रहे हैं। आयोजन की जो राशि थी 56,000 रुपए बढ़ा के उसको 55,000 रुपए किया जा रहा है और प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोहों का विकास खंड के स्तर पर पहले से तिथि तय की जाएगी, प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की थी और बाद में अलग अलग राज्यों ने भी उसको अपनाया। बीच में हमारी सरकार चली गई और कोविड फिर आ गया, तो उसके कारण ये योजना लगभग 3 साल से ठप्प पड़ी थी। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी, वहां संत रविदास जी महाराज के भी दर्शन होंगे, संत कबीरदास जी के भी दर्शन करेंगे, गंगा जी का स्नान भी होगा और पहली ट्रेन में हम लोग भी जाएंगे। हम लोग से आप समझ गए होंगे, जो लोग चिंतन के लिए बैठे थे। एक सुझाव आया कि बस से भी अगर संभव हो ऐसे स्थान में ज्यादा देर ना लगे तो तीर्थ दर्शन के लिए भेजना चाहिए, तो उसको भी अंतिम रूप दिया है। हाँ, वायुयान से भी अगर संभव हो तो हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन के लिए ले जाएंगे, समय थोड़ा कम लगेगा, सुविधा थोड़ी मिलेगी। बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। जब दुनिया का हर एक देश अपनी भाषा में पढ़ाई करता है तो हम अंग्रेजी के गुलाम क्यों बने? हमारे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे, गांव से आने वाले बच्चे ये अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए एक टैलेंट होने के बाद भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा रहता है कि अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी की बाध्यता नहीं है और हिंदी में भी पढ़ाई की जा सकती है, इसलिए पूरी किताबें हमारी बन रही है और इसी साल देश में पहली बार हम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर इंजीनियरिंग की और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में सुनिश्चित करके हम इस मिथक को तोड़ देंगे
कि अंग्रेजी जरूरी है गरीबों को, ग्रामीणों को, मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों को, जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में नहीं पढ़े उनको इसका निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा में देश में पहली बार कक्षा 8 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। 240 घंटों का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, ये भी देश में पहली बार होगा और हम अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। जलाभिषेक अभियान मतलब पानी बचाने का अभियान, वर्षा जल को हमको संचित करके रखना ताकि भूजल का स्तर बढ़े, इसलिए चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाबों का निर्माण, ये 11 अप्रैल से जलाभिषेक अभियान के रूप में प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद कई जगह से ये फीडबैक मिला कि कठिनाइयां कई तरह आती है ग्रामीण परिवहन में विशेष रूप से, इसलिए अगले महीने हम ग्रामीण परिवहन की नीति लाएंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बसें चला के लोगों को आवागमन की ठीक से सुविधाएं हम दे पाए। एक फैसला हमने और किया है कि शहरों में लगभग 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। कई बार ऐसी बीमारियां जिसके लिए बड़े अस्पताल की जरूरत नहीं है, बुखार हो गया, कोई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका साधारणता इलाज हो सकता है, तो वो हम इसको शहरों में प्रारंभ करेंगे ताकि बड़े अस्पतालों में भीड़ कम हो। 22 अप्रैल से इसको प्रारंभ करेंगे हम, प्रारंभ में कम खुलेंगे लेकिन एक वर्ष में सभी नगरीय निकाय में स्थापित करेंगे। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा और जिला अस्पतालों में कोविड काल के दौरान आईसीयू वार्ड भी बने, ऑक्सीजन लाइनें भी डली है, कई तरह के उपकरण आए हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल हो इसकी रणनीति हमने बनाई है। मई के महीने से हर जिले में 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। कई बार कई ऐसी बीमारियां जिनका पता ही नहीं चलता, जैसे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं बहनों को यूट्रस के कैंसर का पता ही नहीं चलता, लेकिन समय पे अगर परीक्षण हो जाए और पता चल जाए तो उनका इलाज संभव होगा। इसलिए हमने तय किया है कि जब बड़ी बीमारी हो जाए, दिखाने आए उसके बजाय हम ऐसे शिविर लगा के विशेषकर गरीब सभी आए, उसमें केवल गरीब के लिए नहीं मध्यम वर्ग भी आए जो आना चाहता है, लेकिन विशेषकर गरीब को उसका बहुत लाभ मिलेगा। इंसानों के लिए तो टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की है, मतलब फोन करके विशेषज्ञ डॉक्टर से टेलीमेडिसिन की व्यवस्था है, वो सलाह ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे ही टेलीमेडिसिन हम पशुओं की बीमारी के लिए भी वेटनरी टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाएगी। एक नंबर वो डॉक्टर बैठेंगे और किसी गांव से किसी ने कहा कि मेरी गाय बीमार है और बीमारी की ये लक्षण है, तो उसी के आधार पर फोन पर ही सलाह दी जा सकेगी कि गाय की ये दवाई है। और वैसे ही हमने तय किया है कि फसलों की बीमारी के लिए अगर फसल में कोई बीमारी लगी तो टेलीफोन विशेषज्ञ बिठाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र पे और वह फोन करके वो बताएंगे कि फसल में ये बीमारी पत्ती ऐसी हो गई, तो फोन पे ही उनको एडवाइस किया जाएगा। तो टेलीमेडिसिन इंसान के लिए भी, पशुओं के लिए भी और फसलों के लिए, तीनों के लिए लागू करने की योजना हमने बनाई है।